नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष है, आशीष केलकर, और मैं किरण जाधव .com के नॉलेज बोर्ड पर आपका स्वागत करता हूं। पिछले कुछ पार्ट्स में हमने स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए इसके बारे में डिस्कशन किया था। मैं एक बार दोहराता हूँ, स्टॉक मार्केट में से पैसा कमाने के लिए हमारे पास चार चीजें होनी चाहिए। पहला राइट नॉलेज, दूसरा राइट इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा मनी मैनेजमेंट और चौथा डिसिप्लिन। तो इसमें से पहला जो था राइट नॉलेज, उसके बारे में हमने लास्ट पार्ट में डिस्कशन किया था, जैसे कि पांच सवालों के जवाब। मैं कौन सा स्टॉक बाय करूं, कौन से प्राइस पे उसे बाय करूं, मिनिमम टारगेट क्या होना चाहिए उस स्टॉक का, मेरा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए और मेरे इन्वेस्टमेंट का टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। तो जब तक ये पांच सवालों के जवाब हमारे पास नहीं होंगे, हमारे पास राइट नॉलेज नहीं है, ऐसा हम मानेंगे। तो अभी आज के पार्ट में ये पांच सवालों के जवाब ढूंढने कैसे हैं और ये कैसे किया जाता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इन पांच सवालों के जवाब यानी राइट नॉलेज अगर हमारे पास होना चाहिए तो इसके लिए दो इंपॉर्टेंट मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जो कि कहा जाता है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस। तो इस पार्ट में हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये होता क्या है टेक्निकल एनालिसिस? टेक्निकल एनालिसिस लोगों के दिल में इसके लिए थोड़ा सा डर है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, अलग अलग तरह के इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर्स एंड चार्ट्स, तो क्या ये हमें समझ में आएगा? दोस्तों, जब तक हम उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं, वो हमें समझ में नहीं आता है। देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन सिंपल थिंग्स एंड कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स। कॉम्प्लिकेटेड थिंग वही होती है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है, और हमारे लिए सिंपल चीज वो होती है जिसके बारे में हमें समझ में आता है। तो अगर हम टेक्निकल एनालिसिस को समझते हैं तो वो हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। तो होता क्या है ये टेक्निकल एनालिसिस? इन सिंपल वर्ड्स, अगर सरल भाषा में समझाने की कोशिश करें तो टेक्निकल एनालिसिस इज नथिंग बट अ स्टडी ऑफ प्राइस विद द हेल्प ऑफ चार्ट। चार्ट की सहायता से प्राइस का स्टडी करना, इसका मतलब होता है टेक्निकल एनालिसिस। अब ये जो प्राइस है, प्राइस इवॉल्व कैसे होती है? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि ऐसी कौन सी घटनाएं हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं कि जो स्टॉक मार्केट पर अफेक्ट करते हैं, तो बहुत बड़ी लिस्ट आप मुझे बताएंगे, जैसे कि पॉलिटिकल सिनेरियोस है, ग्लोबल क्यूज है, वॉर लाइक सिचुएशंस है, नेचुरल कैलामिटीज है, कोई रूमर्स है, कोई टिप्स मिलती है आपको, या कोई न्यूज मार्केट में आता है, या कंपनी के फंडामेंटल्स हैं। सो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो स्टॉक मार्केट पर अफेक्ट करते हैं, करेक्ट? लेकिन ये स्टॉक मार्केट जिसके ऊपर ये सारी घटनाओं का अफेक्ट होता है, वो कहां होता है? कई लाख, कई करोड़ लोगों के दिमाग में होता है वो स्टॉक मार्केट। जो कुछ देर पहले मैंने पूछा कौन से घटनाएं हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो स्टॉक मार्केट को अफेक्ट करते हैं, इसमें से कोई भी घटना अगर घटती है तो उसका सीधा असर कई लाखों करोड़ों लोगों के दिमाग पर होता है। और अपना ये जो मस्तिष्क है, ह्यूमन ब्रेन, टू बेसिक इमोशंस है बहुत इंटेंसली हमारे लाइफ के ऊपर जो काम करती है, एक है फियर और एक है ग्रीड। जितने सारी घटनाएं घटती है उसमें से अगर कोई घटना अच्छी है जिसके इम्प्लीकेशंस अच्छे होने वाले हैं, उसकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों के दिमाग में ग्रीड पैदा होती है और वो लोग बाय करना चालू करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में डिमांड आता है। और अगर कोई बुरी घटना हो जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है, तो ये सारे जो लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, बाय सेल करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके इमोशंस नेगेटिव हो जाते हैं, डर पैदा होता है और वो सारे लोग सेल करना चालू करते हैं, उनकी वजह से सप्लाई आता है। सो डिमांड एंड सप्लाई, दीज टू फैक्टर्स, बिकॉज ऑफ देम द प्राइस इज इवॉल्व। अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम में डिमांड सप्लाई से ज्यादा पावरफुल है तो प्राइस ऊपर जाता है। एट वन पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम अगर सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो प्राइस नीचे जाता है। सो फाइनली सारे फैक्टर्स दे अफेक्ट द मास साइकोलॉजी में या तो फियर जनरेट होता है या तो ग्रीड, एंड दिस फियर एंड ग्रीड डिफाइंस द डिमांड एंड सप्लाई, एंड दिस डिमांड एंड सप्लाई डिफाइंस द प्राइस ऑफ द स्टॉक। सो प्राइस इज द फाइनल प्रोडक्ट, इसके आगे कुछ नहीं है। सो एज ये जो प्राइस फाइनल प्रोडक्ट है, ऑल दीज फैक्टर्स दे रिफ्लेक्शन प्राइस। तो क्या हम ये सारे फैक्टर्स रोज स्टडी कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते? लेकिन क्या हम प्राइस स्टडी कर सकते हैं? क्या? यस, वी कैन स्टडी द प्राइस, एंड दैट इज व्हाट टेक्निकल एनालिसिस इज। टेक्निकल एनालिसिस की सिंपल व्याख्या है,
प्राइस का चार्ट की सहायता से स्टडी करना यानी टेक्निकल एनालिसिस। अलग अलग तरह के चार्ट्स होते हैं लेकिन इसके जैसा सिंपल दूसरा टेक्निक अवेलेबल नहीं है स्टॉक मार्केट को समझने के लिए। लोगों के दिमाग में ऐसी कुछ कंसेप्ट होती है कि जैसे टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए यूज किया जा सकता है या सिर्फ मीडियम टर्म के लिए या इंट्राडे के लिए, तो ये सारी मिथ्स है। टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा टेक्निक है, एक ऐसी मेथड है जिसकी वजह से हम ना तो सिर्फ शॉर्ट टर्म बल्कि मीडियम टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म के एनालिसिस भी कर सकते हैं, और डेफिनेटली हमने ये किया है और पिछले 25 साल से हम ये करते आ रहे हैं। दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा मेथड है जो हमें ये सिखाता है कि ये स्टॉक कौन से प्राइस पर लेना चाहिए, इसका मिनिमम टारगेट क्या रहेगा, उस स्टॉक में कितना स्ट्रेंथ है, कम से कम कितना ऊपर तक जाने का स्ट्रेंथ है इस स्टॉक में, ये टेक्निकल एनालिसिस में आपको पता चलता है, और वो भी नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस में, मॉडिफाइड टेक्निकल एनालिसिस। हमने ये जो टेक्निकल एनालिसिस है जिसमें हमने कुछ मॉडिफिकेशन किए जिसके बारे में मैं अगले पार्ट में आपके साथ डिस्कशन करूंगा, उसमें हमने कुछ मॉडिफिकेशन किए जिस मॉडिफिकेशन की वजह से आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक इस प्राइस पर लेना चाहिए, इसका मिनिमम टारगेट ये होना चाहिए और ये टारगेट कम से कम इतने दिनों में अचीव होगा। प्रिसाइज यानी आज पर्टिकुलर स्टॉक का भाव 128 रुपया है, आज से 17 दिनों में ये स्टॉक 160 रुपया 20 पैसा हो सकता है, और अगर ये एनालिसिस गलत हो गया तो उसमें स्टॉप लॉस क्या लगाना चाहिए, विच इज अनदर इंपॉर्टेंट प्राइस। टेक्निकल एनालिसिस ये एक मेथड है, उसको यूज कैसे करना है ये डिफाइन करता है कि हम सक्सेसफुल इन्वेस्टर या ट्रेडर है या नहीं। दोस्तों बने रहिए अगले पार्ट के लिए जिसमें हम डिस्कशन करेंगे और ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस के बारे में और मॉडिफाइड टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। थैंक यू। और फाइनली एक बात हमेशा याद रखो, हमारे कंपनी किरण जाधव एंड एसोसिएट, kiranjadhav.com, हमारा जो टैगलाइन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़कर समझकर निवेश कर। थैंक यू, बाय बाय फॉर नाउ, मीट यू, सी यू सून इन द नेक्स्ट पार्ट, बाय बाय।